विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की महानगर इकाई के प्रतिनिधि मंडल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को 4 सूत्री ज्ञापन पेश किया है। ज्ञापन में कहा गया है कि 14 फरवरी को हमारे देश में विदेशी परंपरा वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाना दुख का विषय है, क्योंकि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के बजाय युवक युवतियाँ प्यार का इजहार करते हैं, जो हमारे देश की परंपरा नहीं है। कहा गया है कि प्यार के नाम पर लव जिहाद जैसी गतिविधि को बजरंग दल बर्दाश्त नहीं करेगा। ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए सह सुरक्षा प्रमुख रजत ठाकुर ने बताया, आज महानगर हिंदू परिषद बजरंग दल ने कप्तान साहब को ज्ञापन किया है 14 फरवरी को लेकर। 14 फरवरी के दिन आपसे वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है, और 14 फरवरी के दिन आज ही के दिन 2019 में पुलवामा हमला हुआ है, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। इस दिन को किसी ने याद नहीं रखा, पर सबको याद है मेरी संस्कृति की। आज के दिन हमारा वैलेंटाइन डे किसी भी गाँव हिंदू धर्म का नहीं है, ये विदेशी संस्कृति है। हमारे हिंदू परिषद में 17 प्रखंड हैं, 17 प्रखंडों में 17 टीमें बनाई गई हैं, और 17 टीमें पूरे महानगर में निगरानी रखेगी कि अखिलता और हमारे धर्म पर कोई भी आंच नहीं हो पाए, और LIO और पुलिस को प्रशासन को सूचना की जाएगी, और इसका नेतृत्व हमारे महानगर सदस्य अभिनव भट्टनागर जी कर रहे हैं 17 टीमों का। और हम सब आप सबसे निवेदन है, हमारे मुरादाबाद को इसे वैलेंटाइन डे के रूप में ना मनाया जाए, और इसे मनाया जाए जो पुलवामा हमला हुआ है, इनमें 40 शहीद हमारे जवान हुए थे, उस रूप में मनाया जाए। और जो भी लव जिहाद जिसे जो भी हमें करते हुआ जिस प्रकार को भी पाया गया, तो उस तक प्रशासन को सूचना दी जाएगी। नहीं, आपने अभी ज्ञापन दिया, क्या मांग की आपने? हमारी जो मांगे हैं प्रशासन की है कि कहीं भी पार्कों में रेस्टोरेंट में कोई भी अश्लीलता ना फैलाई जाए, शांतिपूर्वक पुलिस की टीम रहे, और जो भी गलत चीज़ें करते हुआ पाया गया है उसे तुरंत कार्रवाई। इस मौके पर गौरव भटनागर, गोविंद रोहित, वाल्मीकि अक्षत मेहरोत्रा, अमित गुप्ता, अभिनव भटनागर एवं राहुल आदि प्रतिनिधि मंडल में शामिल रहे।